कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मथुरा पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने चौमुहा विकास खंड के गांव तरौली में 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाईं। दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है, मोदी और योगी सरकार में किसानों के विकास, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हुए देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण फैला है, लेकिन ब्रज भूमि में इसका कोई असर नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ किसानों की कोई हलचल नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कृषि कानूनों की समझ नहीं है। विरोधी दलों को काफी समय से आंदोलन करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार बिल के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज यहाँ 12 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिसमें स्वामी बाबा के दो कार्य हैं, बाकी 10 कार्य यहाँ इंटरलॉकिंग के ब्लॉक के द्वारा कराए गए हैं। उनका लोकार्पण का आज अवसर था। गांव वालों, स्वाभाविक रूप से मैंने स्वामी बाबा की गौशाला का भी निरीक्षण किया। जब कभी भी कोई राजनीतिक व्यक्ति जनता के बीच आता है तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। ये हमारा घर है, यहाँ सबके दुख और सुख में शामिल होने का हमें मौका मिलता है। मैंने आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की योजनाओं के बारे में, किसान के विकास के बारे में, देश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में, देश के रक्षा को मजबूत करने के बारे में जो सरकार ने कार्य किए हैं, उन समस्त कार्यों के बारे में यहाँ आज विस्तृत चर्चा हुई है। गांव वालों में विशेष उत्साह है। सभी गांव वाले आदरणीय योगी जी और मोदी जी के भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि कृषि सुधार बिल पूरी तरह किसानों के हित में है। इस बिल से किसान खुशहाल होगा और उन्नत बनेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।